वेजिटेबल्स के नाम सीखेंगे, उसे मैं हिंदी में और इंग्लिश में भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। कॉलीफ्लावर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फूलगोभी। टोमेटो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं टमाटर। ओनियन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्याज। ब्रिंजल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बैंगन। पोटैटो, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आलू। कबेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंद गोभी। लेडी फिंगर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भिंडी। कैप्सिकम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिमला मिर्च। कैरेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गाजर। पीस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मटर। बिटर गार्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं करेला। ड्रमस्टिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहजन। पपकिन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कद्दू। जिंजर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अदरक। चिलीज, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मिर्च। गार्लिक, जिसे हम कहते हैं हिंदी में लहसुन। रिच गार्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तुरई। बीटरूट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चुकंदर। स्नेक गार्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परवल। बीन्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फलियां। रेडिश, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मूली। बोटल गार्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लौकी। टर्निप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शलजम। मशरूम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुकुरमुत्ता। अब बच्चों, अब हम सीखेंगे सब्जियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फुल गोभी, उसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलीफ्लावर। टमाटर, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टोमेटो। प्याज, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओनियन। बैगन, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंजल। आलू, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो। बंद गोभी, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कबेज। भिंडी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेडी फिंगर। शिमला मिर्च, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैप्सिकम। गाजर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैरेट। मटर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पीस। करेला, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिटर गार्ड। सहजन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रमस्टिक। कद्दू, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पपकिन। अदरक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं जिंजर। मिर्च, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं चिलीज। लहसुन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। तुरई, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिच गार्ड। चुकंदर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बीटरूट। परवल, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्नेक गार्ड। फलियां, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बीन्स। मूली, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेडिश। लौकी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बोटल गार्ड। शलजम, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्निप। कुकुरमुत्ता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मशरूम। ओके बच्चों, आज हमने क्या सीखा? सब्जियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में सीखे। तो बहुत सारे सब्जियों के नाम हम सीख लिए। तो आप अपनी मम्मी को कहे कि अच्छी अच्छी हरी सब्जियां लाए, अच्छा हरी सब्जियां खाए, जिससे आप अपना सेहत बनाए। ओके बच्चों, थैंक यू।